तो दोस्तों टाइटैनिक एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल 18 जून को जहाज का मलबा दिखाने 5 लोगों को लेकर समंदर में गई टाइटन नामक पनडुब्बी गुम हो गई। कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया। फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। कई देशों की नौसेना और कंपनियां उन्हें ढूंढने में जुटी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई निशान नहीं मिला है। समय के बीतने के साथ साथ उम्मीद भी बीत रही है। टाइटन गोलाकार कैप्सूल की तरह दिखती है। इसे समंदर के अंदर चलने और सर्वाइव करने के लिए बनाया गया है। हालांकि टाइटन में अब कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा है। अगर उससे पहले लोगों को नहीं निकाला गया तो उनके बचने की उम्मीद घट जाएगी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये घटना भी टाइटैनिक की तरह महज एक रहस्य बन सकती है। तो आए हम जानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। ये 4-5 हजार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने समुद्र में मीलों नीचे गए अरबपतियों के रोमांच के सफर का दुखद अंत हुआ। पनडुब्बी के लापता होने के बाद अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने रविवार को एक तेज धमाके की आवाज सुनी थी। उसी दिन टाइटन समरसिबल लापता हुई थी। अब कई दिन का सर्च अभियान चलाने के बाद भी जब पनडुब्बी का कुछ पता नहीं चल पाया तो अब सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि विनाशकारी अंतस्फोट में पनडुब्बी तबाह हो गई है। बता दें कि विस्फोट का उल्टा अंतस्फोट होता है। विस्फोट में कोई भी चीज अंदर से बाहर की तरफ फटती है, वहीं अंतस्फोट में बाहर से अंदर की तरफ दबाव के चलते धमाका होता है। समुद्र के अंदर फोरेंसिक जांच के विशेषज्ञ टॉम मैडॉक्स ने CNN के साथ बातचीत में बताया कि पनडुब्बी में किसी ढांचागत खामी की वजह से पनडुब्बी उस पर पड़ने वाले बहुत ज्यादा दबाव को झेल नहीं सकी और धमाके में बिखर गई। समुद्र की गहराई में छोटी सी खामी बन सकती है मौत की वजह। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। ये 4-5 हजार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी खामी भी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी अंतस्फोट इंप्लोजन का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि यह विस्फोट मिली सेकंड के भी एक अंश में होता है, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हो गया होगा और यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए माना जा रहा है कि 5 यात्रियों के शव नहीं मिल पाएंगे। बता दें कि टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई में पानी का किसी भी वस्तु पर दबाव करीब 5,600 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है। पनडुब्बी में किस जगह विस्फोट हुआ होगा यह अभी पता नहीं चल सका है। यूएस कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को कहा कि वह आगे भी सर्च अभियान जारी रखेंगे, लेकिन मलबा मिलने की भी संभावना कम ही है। पूरा हादसा कैसे हुआ इसकी टाइमलाइन का पता लगाने में समय लग सकता है। हादसे में कब क्या हुआ? बता दें कि समरसिबल हादसे में मारे गए 5 यात्रियों में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हॉर्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशनगेट के CEO स्टॉकटन रश शामिल थे। इन लोगों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 16 जून को अपने सफर की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 18 जून को ये सभी यात्री समरसिबल से पानी के अंदर उतरे। सुबह 9 बजे ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे और सुबह करीब 11.47 बजे ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। 5 यात्रियों को शाम 6.10 बजे सतह पर वापस लौटना था, जिसके बाद शाम 6.35 बजे बचाव कार्य शुरू किया गया। पनडुब्बी में 96 घंटे की ही ऑक्सीजन थी। गुरुवार को अथॉरिटीज ने सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया और पनडुब्बी में अंतस्फोट होने का खुलासा किया। क्या थी टाइटन पनडुब्बी और इसकी खासियतें? टाइटन एक रिसर्च और सर्वे के काम में इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बी थी, जिसमें चालक समेत 5 लोगों के बैठने की क्षमता थी। इसके अलावा लोगों को समुद्र की गहराई तक पर्यटन कराने के लिए भी पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता था। टाइटेनियम और कार्बन फाइबर की बनी इस पनडुब्बी का ढांचा 22 फीट लंबा था और इसका वजन करीब 10,432 किलो था। ये पनडुब्बी 4,000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। इस पनडुब्बी का प्रबंधन करने वाली कंपनी ओशनगेट का कहना है कि इस पनडुब्बी का व्यूपोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाली पनडुब्बियों में सबसे बड़ा था। इस पनडुब्बी में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे थे, जो पनडुब्बी को दिशा और 3 नॉट की गति से चलने में मदद करते थे। पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना था, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी होती थी।
इस पनडुब्बी में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि पनडुब्बी का कम्युनिकेशन किन कारणों से टूटा। पनडुब्बी के हादसे की अन्य वजह इसमें पावर फेलियर या सब कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों का सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि यह जानकारी दुनिया भर में फैल सके। तो चलिए दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू, टेक केयर, बाय।